आज के एपिसोड में वनराज अनुपमा को बोलने के लिए कहता है। अनुज बताता है कि किंजल और उसका बच्चा सुरक्षित है। परितोष और वनराज किंजल से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। किंजल ने सिर हिलाया। अनुज अनुपमा और किंजल को रोना बंद करने के लिए कहता है। हसमुख भी उन दोनों को रोना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि सब कुछ ठीक है। अनुपमा सॉरी कहती है। वनराज चिल्लाता है और अनुपमा से उसे सॉरी अपने पास रखने के लिए कहता है। अनुज वनराज से कहता है कि वह अनुपमा पर आवाज न उठाए क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। वनराज ने अनुपमा पर कपाड़िया बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वह अनुपमा से पूछता है कि क्या वह किंजल की देखभाल नहीं कर सकती। अनुज अनुपमा का पक्ष लेते हैं और वनराज को समझाने की कोशिश करते हैं कि अनुपमा की कोई गलती नहीं है। वनराज अनुपमा पर आरोप लगाते रहते हैं। हसमुख बीच में आता है और अनुपमा का पक्ष लेता है। वह कहता है कि अनुपमा गलती नहीं कर रही है और सभी को बातचीत समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि किंजल ठीक है। काव्या भी वनराज को शांत होने के लिए कहती है। वनराज काव्या को बीच में नहीं आने के लिए कहता है। अनुपमा ने किंजल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वनराज का कहना है कि किंजल अब अनुपमा के साथ नहीं रहेगी। वनराज का कहना है कि उनके बच्चे या पोते अनुपमा अनुज कपाड़िया से मिलने नहीं जाएंगे। किंजल वनराज से अनुपमा के साथ रहने की विनती करती है। वनराज ने किंजल के अनुरोध को मंजूरी दी। अनुज परितोष को किंजल के साथ रहने के लिए कहता है। वनराज अलर्ट करता है और कहता है कि किंजल को सुबह तक उसके पास सुरक्षित लौट जाना चाहिए। अनुपमा हसमुख को आश्वस्त करती है कि वह किसी को निराश नहीं करेगी। वनराज कहते हैं कि वे अब अनुपमा पर भरोसा नहीं कर सकते। अनुपमा भावुक हो उठी। शाह परिवार कपाड़िया घर से चला जाता है। समर चिंता में डूब जाता है। लीला और वनराज किंजल की दुर्घटना के बारे में चर्चा करते हुए ड्रामा खड़ा कर देते हैं। हसमुख समर से कहता है कि ड्रामा से ज्यादा वनराज अनुपमा से अपना सब कुछ खोने से डरता है। वनराज गुस्से में कार चलाता है। अनुपमा और परितोष किंजल को सांत्वना देते हैं। बरखा ने किंजल से अनजाने में टकराने के लिए माफी मांगी। किंजल और परितोष बरखा को क्षमा करते हैं। बरखा ने कहा कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो घंटी को दबाएं। परितोष कहते हैं कि उन्हें घंटी की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें अनुपमा को चिल्लाने और फोन करने की आदत है। अनुपमा भगवान से किंजल की देखभाल करने के लिए कहती है। बरखा अनुपमा को अपनी सुरक्षा के लिए किंजल को घर भेजने का सुझाव देती है। अनुज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह वनराज को उसके घर पर ड्रामा करते हुए सहन नहीं कर सकता। वनराज पाखी से पूछता है कि क्या उसे शाह के घर में प्रवेश करने में शर्म आती है। काव्या वनराज को सांत्वना देने की कोशिश करती है। अनुपमा से मिलने के लिए वनराज पाखी को डांटता है। बरका अपने झूठे इमोशन से अनुज को किनल को भेजने के लिए मनाती है। अनुज वनराज द्वारा आगे के ड्रामा से बचने के लिए किंजल को घर छोड़ने का फैसला करता है। अनुज ने अनुपमा से वनराज का बचाव करना बंद करने को कहा। वह अनुपमा से कुछ दिनों के लिए शाह से दूरी बनाने के लिए कहता है। अनुपमा अनुज से कहती है कि बड़ों के बीच झगड़े के कारण वह अपने बच्चों को नहीं खो सकती।